अस्सलाम वालेकुम। इतनी एक्साइटमेंट क्यों? आई लव यू। सबसे पहले तो प्रोफेसर डॉक्टर नादिया और डॉक्टर जिया साहब और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ बुलाने के लिए। शायद सुस्ती मेरी ही है, बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते। अगर मुझे पता होता कि ये मुझे मिलने लगा है और ऐसा ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स, यकीन जाने आज से 2 साल पहले आ जाता। लेकिन क्या करूँ, तबीयत इन फ्रीलांसर जरा सुस्त पाए जाते हैं। दिनों रात के शशो पंच में सारी रात काम करना और दिन को सोना, तो सुस्ती मेरी है, कोताही मेरी है। और वाकई मुझे अफसोस हो रहा है कि व्हाई डिड इट टुक सो लॉन्ग टू गेट हियर। आज का बाय द वे आई विल वेलकम ऑल दी अदर यूनिवर्सिटीज दैट आर वर्चुअली कनेक्टेड टू वॉच दिस लाइव स्ट्रीम। समहाउ आई एम नॉट सॉर्ट ऑफ अ गाय हु वुड लाइक टू be confined to this rostrum, but chalo as I say mukh chalta bitta zyada main theek hai chalo sahi abhi sab change karne mein time lagega aur main acha ek aur mazrat hai meri wajah se aapko intezar karna pada mujhe nahi pata aap kab ke subah ka intezar kar rahe hain aur kab ka and it's a customary habit ki mujhe jab lage ki meri wajah se galti hui hai to mazrat khaun theek hai lekin I'll make sure ki main jab yahan se jaau तो बगैर मेंटोस खाए मैं आपके दिमाग की बत्ती जला के जरूर जाऊंगा। उसके बाद अगर जिया साहब को कॉलेज ड्रॉपआउट्स की रिक्वेस्ट आना शुरू की, जिया साहब मेरा तो कुछ नहीं, आपने खुद मुझे बुलाया था। तो ये मैं डिस्क्लेमर पहले दे देता होता हूँ क्योंकि बाद में अगर मुझे डीलरशिप में मिलेंगे सर आप आए और बच्चे तो बिल्कुल ही बिगड़ गए हैं तो खबरदार ऐसी कोई हरकत की। फ्रीलांसिंग, जा भाई ने इतना एट लेंथ जाके मेरा इंट्रोडक्शन करा दिया, यकीन जाने मैं इसके काबिल नहीं हूं। लेकिन सच ये है कि ये एक ट्रेनिंग और मेंटरशिप का 6 साल का तवील सफर है जिसको कोई नहीं जानता। एवरीबॉडी सीज द सक्सेस राइट नाउ but nobody knows the hardship and the troubles and the hard times I've gone through. hamesha ek sawal pucha jata hai ki bhai aapko takleef kya hai, aap kyun ye sara kaam kar rahe hain aur upar se aap 1 rupya hi is form se charge karte hain. aur iska jawab main bahut sare forums pe dena zaruri samajhta hu aur isliye universities ka tour ka aagaaz kiya ki ye pass rakh raha hu vaade ka jo maine apni maa ke sath kiya tha। उन्होंने 2015 में मुझे कहा कि पुत्र तेरे जो कुछ आंदा है अगले दिन फ्री सिखा दे। और मुझे वाकई जो कुछ आता है यकीन जाने मैंने एक आने की बेमानी नहीं की, चाहे वो डिजिटल मार्केटिंग हो, चाहे वो फ्रीलांसिंग हो, चाहे वो ब्लॉगिंग हो, चाहे वो सोशल मीडिया मार्केटिंग हो, चाहे वो डिजिटल प्रोडक्ट्स हो, चाहे वो बिजनेस डेवलपमेंट हो, चाहे वो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन हो, चाहे वो कॉपी राइटिंग हो, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट सिखा दिया। और जिसके रिपरकशंस ये आ रहे हैं कि अभी मैं नेशनल फ्रीलांस कॉन्फ्रेंस बुर्बन में हुई थी और अच्छा मेरे लिए भी सरप्राइज था। हाउ मेनी ऑफ यू हैव अटेंडेड डिजिस्किल्स कोर्स, रेज योर हैंड्स। तो यूनिवर्सिटी भी पढ़ो, अच्छा वेरी नाइस। तो मुझे ये सरप्राइज मिला कि जनाब आई हैव टॉट ओवर 2 मिलियन पाकिस्तानी बच्चा ऑल अक्रॉस द कंट्री और इससे ज्यादा किसी ट्रेनर ने पूरी दुनिया वर्चुअली नहीं पढ़ाया। सो दिस माइट जस्ट बी अ रिकॉर्ड फॉर अस एंड फॉर अवर कंट्री। बट जो ज्यादा ओवरवेलमिंग चीज है जिसने मेरा जिगरा बड़ा किया वो ये कि इन फ्रीलांसर्स की जो रिकॉर्डेड अर्निंग्स है वो 200 मिलियन डॉलर्स हैं, जिसको प्रेसिडेंट अलवी साहब ने और इमरान खान साहब ने ऑन द पार्लियामेंट फ्लोर एक्नॉलेज किया। और ये सिर्फ रिकॉर्डेड अर्निंग्स है, 20 करोड़ डॉलर not recorded jo log samne nahi aate। aur let's say if you talk about my youtube and if you talk about my social media, khuda jaane kya ho gaya, lekin jo hua acche ke liye hua। brink pe hain 4th se 3rd number pe top freelancing country banne mein aur mujhe lagta hai ki agle 3 mahine mein by the start of next year 2022 pakistan would be happily placed as the 3rd top freelancing country in the world। aur और शायद जब
इतिहास लिखा जाए या कहानी लिखी जाए या हिस्ट्री लिखी जाए, कहीं ना कहीं नाम जरूर आ जाएगा इस बेवकूफ ने क्या कुछ किया दिन रात लगा के। फ्रीलांसर, आप में से बहुत सारे ऐसे भी होंगे और मैं बखूबी समझता हूँ जो बिल्कुल फ्रीलांसिंग से आशना नहीं है या कम से कम दे आर नॉट अवेयर अबाउट द पॉसिबिलिटीज ऑफ फ्रीलांसिंग। आई वांट यू टू रेज योर हैंड्स सो दैट आई कैन यू नो टॉक अबाउट दिस एज वेल। मुझे अंग्रेजी नहीं समझ लगी तो ये दस देना कि फ्रीलांसिंग का नहीं पता, मैंने दस साल की उर्दू नहीं पंजाबी थी। अच्छा थोड़े हो, इसका मतलब कि इतनी अवेयरनेस रेज होगी पर हो जरूर। अच्छा साथ साथ जबरदस्ती अगलों के भी हाथ उठा रहे, तुम भी बोलो, मैं अकेले अच्छा नहीं लग रहा। राइट आई हियर यू। देखिए जी, फ्रीलांसर इज द वन हु सेल्फ एम्प्लॉयड, वर्क्स फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ काउच एट होम, दे आर नॉट एम्प्लॉयड और हायर्ड बाय देयर बॉस टू वर्क फॉर देम 9 to 5, और वो एक इंटरनेट और एक अदद अच्छा सा कंप्यूटर उसको इस्तेमाल करके अपनी सर्विसेज रेंडर करते हैं। बेशुमार सर्विसेज हैं, मिसाल के तौर पे मुझे नहीं मालूम और मैं पूछूंगा नहीं कि आप किस डोमेन्स ऑफ एक्सपर्टीज या आपका क्या डिग्री चल रही है। आई बिलीव मास्टर्स वाले भी होंगे, कंप्यूटर साइंस वाले भी होंगे, सब मिक्स ही होगा आई बिलीव। डॉक्टर मिक्स ही है सर। सो आप सारे स्किल्स नहीं सीख सकते, हर कोई टेक स्किल नहीं सीख सकता, पर आपका स्टार्टिंग पॉइंट जरूर हो सकता है एंड दैट हैज टू बी कंटेंट राइटिंग। अगर आप यूनिवर्सिटी पे इतने आगे पहुंच गए हो तो आई जनरली बिलीव कि यू गॉट अ फेयर चांस ऑफ राइटिंग कंटेंट एंड अगेन यू कैन स्टार्ट सेलिंग दोस सर्विसेज एज अ फ्रीलांसर या इन अ लॉन्ग रन, जिसके बारे में मैं भी बात करूंगा कि आपका अपना ब्लॉग होना चाहिए, आपका अपना यूट्यूब होना चाहिए ताकि वो सोलिसिट करे और आपको फायदा पहुंचाए। एक कॉन्टेंट राइटर बड़ा अच्छे तरीके से अपनी सर्विसेज दे सकता है और उसको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ना सिर्फ वो पैसे कमाता है एज अ फ्रीलांसर बल्कि वो ग्रो भी करता है अपनी जॉब में। सो बहुत सारे मुझे जब समझ नहीं लगती थी कि जब मैं अच्छा 2 साल पहले यूनिवर्सिटी जाता था कि बच्चों को स्टार्टिंग पॉइंट क्या, खासतौर पर वो जो कि टेक्निकल ही है, व्हेन यू टॉक अबाउट इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, व्हेन यू टॉक अबाउट मेडिकल स्टूडेंट्स, तो उनके लिए तो इट वुड बी अ फार क्राई कि मैं उनको कहूँ कि जाओ जी ग्राफिक डिजाइनिंग सीख लो, जाओ जाके वेब डेवलपमेंट सीख लो, वर्डप्रेस सीख लो। कंप्यूटर साइंसेस वाले तो चलो फिर भी इस बात को समझ जाएंगे अगर समझा दिया इन लोगों ने, लेकिन यू नो बाकी डोमेन्स ऑफ एक्सपर्टीज वाले या सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स उनको तो नहीं समझ लगेगी क्या। उनके लिए स्टार्टिंग पॉइंट क्या बनता है, वो कॉन्टेंट राइटिंग है। आप एज अ कॉन्टेंट राइटर इतना कमा सकते हैं कि अगर आप सालाना उसका एग्रीगेट लें तो ये तकरीबन मैक्सिमम से मिनिमम का कैप जो है वो 25,000 मैंने बोला है, उससे लेके पाकिस्तान रुपीस आप जाके 25,000 यूएस डॉलर्स कर सकते हैं। ये मैं हर जगह ये बात करता हूँ क्योंकि अगर आपके अंदर अच्छा लिखने की एबिलिटी है, इफ यू आर क्रिएटिव थिंकर, इफ यू कैन राइट वेल, दिस इज अ गुड चांस कि आप अच्छा का पैसा कमाना शुरू कर देंगे। बट इफ यू आर एवरेज, आपके ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं, आपके अंग्रेजी के फंडे हैं, तो उस अंग्रेजी के प्रॉब्लम्स को लेके मुमकिन है कि आप ज्यादा अच्छा ना कमा सके। बट एक बात तय है कि एज ए कंटेंट राइटर आप पैसे कमा सकते हैं। सो स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से जो टेक अवे है वो ये है कि आपने एज ए कंटेंट राइटर फ्रीलांसर समझ अच्छा सीख लिया। इस प्रकार सीखना क्या है, प्रैक्टिस ही रिक्वायर्ड होती है। बट सवाल ये पैदा होता है कि आप ये सर्विसेज कहाँ बेचें। अब आप ये सर्विसेज बेच सकते हैं डिफरेंट फ्रीलांस मार्केट प्लेसेस पर, upwork.com। बहुत सारे पाकिस्तानी पिछले 4 साल में टॉप सेलर्स बन गए हैं अपवर्क के। आई नो फ्रीलांसर्स हु स्टार्टेड विद अ सिंगल डेस्क आफ्टर माय ट्रेनिंग एंड दे आर एक्चुअली मेकिंग ओवर 1 मिलियन यूएस डॉलर्स। और ऐसा एक नहीं है, ऐसी बेशुमार कहानी है दारू से लेके पूरे केपी के तक, उसको मैं बाद में जोड़ूंगा लेकिन अपनी कन्वर्सेशन में। लेकिन कहने का मकसद ये है कि upwork.com इज बाय फार द बिगेस्ट फ्रीलांस मार्केट प्लेस वेयर यू कैन रेंडर योर सर्विसेज एज अ कंटेंट राइटर। अच्छा जरूरी नहीं है फ्रीलांस मार्केट प्लेस पे सर्विसेज जरूरी नहीं है कि आप एज अ कंटेंट राइटर ही दें। udemy.com, digiskills.pk, आपका ई रोजगार, फिर यहाँ पे आपके पास नेशनल फ्रीलांस ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा है जिसका एक बैच या 2 बैच हो गए और तीसरे बैच की एनरोलमेंट हो रही है। आपको ग्राफिक डिजाइनिंग सिखाई जा रही है और जो बात मैंने पहले की वो थी कॉन्टेंट राइटिंग, जो एक्सपर्ट टीचर्स जाने में से एक टीचर को तो डेफिनेटली मैं जानता हूँ, मैम सलमा नौरीन को, शी इज एन अमेजिंग लीडर ऑफ टुमारो। और आप जब ये बेसिक स्किल्स सीख जाएंगे तो आप ग्रो करें अपनी लाइफ में।
मैंने यहाँ पे अपना तारुफ करवाया फ्रीलांसर और डिजिटल मार्केटर, दिस इज जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग, बिकॉज मेरा जिंदगी का 24 घंटे में 1.5 घंटा लर्निंग में लग ही रहा है, और पिछले सालों से लग रहा है जी। यूडेमी पे मैंने कुछ 5,000 से ज्यादा रुपए खर्च किए हैं ये सारी स्किल सेट सीखने। मैं को आसमान से नहीं उतरा था, यहीं पे आके सीखा है और अपनी मेहनत से सीखा है, और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डाइवर्सिफाई किया, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आई हैव ग्रोन इन माय जॉब। याद रखिएगा, अगर आप एक ही स्किल सेट पे रहेंगे तो आप स्टैग्नेंट बनेंगे, खड़े पानी की तरह, जो ना खुद आगे मूव करता है, ना किसी की प्यास का को बुझाता है, ना उसकी प्यास शराब करता है, और इवेंचुअली वो अपना रास्ता भी नहीं बना सकता। बट अगर आप स्किल सेट सीख रहे हैं, आप इनहेंस कर रहे हैं अपने नॉलेज को, तो आप बहते पानी की तरह हैं, जो ना सिर्फ अगलों की प्यास शराब करेगा, साफ सुथरा होगा, बल्कि अपना रास्ता भी खुद ढूंढेगा। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप खुद ब खुद अपने नई राहें ढूंढोगे। आई स्टार्टेड एज अ ग्राफिक डिजाइनर, बेसिक ग्राफिक डिजाइनर, और उसके बाद ये जो स्किल सेट्स मैंने आपको बताए, ये सारे के सारे मैंने पहले सीखे, इनको इंप्लीमेंट किया, और इंप्लीमेंट करने के बाद इनसे पैसे कमाए। कंपनी दैट वॉज डिपेंडेंट सोनली ऑन अ ग्राफिक डिजाइनिंग सर्विसेज, नो मोर डिपेंडेंट ऑन अ ग्राफिक डिजाइनिंग सर्विसेज। सो हियर वी आर, अवर मेन स्ट्रेंथ इज डिजिटल मार्केटिंग, अवर मेन स्ट्रेंथ इज एफिलिएट मार्केटिंग, दैट्स वेयर द मनी इज कमिंग फ्रॉम। कहने का मकसद यह है कि यू हैव टू ग्रो इन योर जॉब, यू हैव टू एनहेंस योर स्किल सेट्स, अपने आप पे टाइम लगाइएगा। मेरे यहाँ पे आने का मकसद, इन यूनिवर्सिटीज को जो मैंने इनिशिएटिव लिया है कि मैं जाके इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में ये जो रोड शो है, स्टार्टिंग विद ट्विन सिटीज, मूविंग ऑन टू केपी के, एंड देन गोइंग टू ऑल द वे टू साउथ पंजाब और फिर सिंध इंशाल्लाह, मकसद ही यही है कि लोगों को ये बताना कि आने वाले वक्त में इट इज द डिजिटल स्पेक्ट्रम दैट्स गोना हेल्प यू गो प्लेसेस इन लाइफ। अगर आप डिजिटली इक्विप्ड नहीं है ना, तो आपने आगे कामयाब नहीं होना। दुनिया बदल गई है, COVID-19 के बाद हमने एक दुनिया का एक ऐसा चेहरा देखा है कि जिनके ब्रिक एंड मोटर बिजनेसेस थे वो बिल्कुल खराब हो गया। आपने अपने घर में देखा होगा, अगर वालिद हैं तो उनकी कोई शॉप थी या उनका कोई स्मॉल बिजनेस था, तो वो स्मॉल बिजनेस सफर कर गया। बट जिसकी प्रेजेंस वर्चुअल थी, जिसने सोशल मीडिया के थ्रू ट्रैफिक लेके आया, जिसने इंटरनेट के थ्रू ट्रैफिक लेके आया, वो सर्वाइव कर गया। आने वाले दौर में जिसके पैसे कमाने के तरीके नहीं ना बदलेंगे, तो वो खुद को भी नहीं बदल पाएगा। ये मेरी बात याद रखिएगा, आपका पैसे कमाने का तरीका बदल जाना चाहिए। इट स्टैंड्स ट्रू फॉर एवरीबॉडी, चाहे वो बच्चा है, चाहे वो मर्द है, चाहे वो खातून है। बल्कि खवातीन के लिए तो फ्रीलांसिंग और डिजिटल बेस्ड बिजनेसेस इतनी अपॉर्चुनिटीज दे रही हैं कि आप घर की चार दीवारी में भी अगर कन्फाइंड है और आपको घर से बाहर जाने की इजाजत नहीं है, बाय यूजिंग योर कंप्यूटर एंड इंटरनेट कनेक्शन यू कैन रेंडर दीज सर्विसेज टू द वर्ल्ड एंड मेक मनी। सो हियर आई एम, आई एम गोना टेल यू फ्यू सक्सेस स्टोरीज। खातून का नाम दरक्षा, डाइवोर्स्ड, अबैंडन्ड बाय हर पेरेंट्स, क्योंकि पसंद की शादी थी केपी के, बच्चे स्कूल से बाहर निकल गए, और वो बड़ी परेशान मेरे पास कहीं से आई, रेफर्ड हुई बाय वन ऑफ माय फ्रेंड्स। फास्ट फॉरवर्ड, शी इज लिविंग इन इस्लामाबाद, दीन से आई है वो खातून, उसके बच्चे सिटी स्कूल में पढ़ते हैं, उसका दफ्तर इस्लामाबाद में है, इंटरनेट बेस्ड बिजनेसेस हैं, ब्लॉग चल रहा है, upwork.com पे फ्रीलांसिंग चल रही है। और मैंने पूछा कि आप सालाना कितना कमाती हैं, तो वो सालाना $20,000 कमाती है। 3-4 साल पहले उस खातून के बच्चे स्कूल से बाहर निकल के, दिस इज व्हाट इंटरनेट कैन डू फॉर यू। कि अगर आपको एक उम्मीद, अगर आपको अपने आप पे बिलीव हो और आप जो है वो मायूस नहीं होते, आई थिंक दिस इज द रेसिपी That is going to make you successful in life. अगर एक ट्रक आर्ट का बच्चा, सुनते जाओ, अगर एक ट्रक आर्ट का बच्चा, ट्रक आर्ट डिजाइनर का बच्चा, जो कि कुछ भी नहीं जानता, जिसको सिर्फ ट्रक पर डिजाइनिंग और वो क्या कहते हैं खतकारी वो करना आती है, और उसके वालिद की डेथ हो जाती है और उसको कुछ भी नहीं आता, और फिर वो बच्चा सिंपल फोटोशॉप सीखता है और फोटोशॉप सीख के अपनी सर्विसेज फाइवर पे गिग लगाते बेचता है और वो सुपर सेलर बन जाता है, तो इससे मेरा और बिलीव बढ़ गया कि ना सिर्फ इस कॉम में बहुत सारी रिजिलियंस है, ना सिर्फ इस कॉम का टेम्परमेंट बहुत अच्छा है, बल्कि इस कॉम में टैलेंट की भी कमी नहीं, और ये करना चाहे तो बगैर तालीम के बहुत कुछ कर सकती है। मैं एक यूनिवर्सिटी के रोस्टर में खड़ा हूँ जिसमें पढ़ा लिखा बच्चा बैठा है, वो क्यों नहीं कामयाब हो सकता। सो दिस इज माई पेन पॉइंट, एंड व्हेन आई से दिस इज माई पेन पॉइंट, आई रियलाइज व्हाट इट फील्स लाइक व्हेन विल अराइव एट योर डोरस्टेप।
I know what it feels like when you have to pay your university fees. I know what it feels like अगर एक बाप के चार बच्चे हैं और उसको चारों बच्चों को पढ़ाना पड़ता है, यकीन जाने कमर टूट जाती है। मैंने अपनी यूनिवर्सिटी के आखिरी सेमेस्टर की फीस मैंने अपने पैसे से दी, फ्रीलांसिंग के पैसे। I'm talking about 1999-2000. Here you are blessed. आपके सर पे छत है, आपके पास इंटरनेट कनेक्शन है, आपके पास कंप्यूटर है, आपके पास स्मार्टफोन है। And I don't see a reason why you cannot make money for yourself. बाहर के मुल्क में हम जाके देखते हैं कि 18 साल का बच्चा जो है वो सेल्फ सफिशिएंसी की तरफ खेल दिया जाता है। And here we are, 22 साल की उम्र में पापा नई शर्ट लेनी है, पैसे दे देना। So I mean, ये बड़े आयरनी और ये बड़ी खतरनाक बात है जिसको मेरे ख्याल में आने वाले वक्त में हमें चेंज करना पड़ेगा। Everybody has to realize that they need to learn how to make money. यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग को मैं जोड़ूंगा। और डिजिटल मार्केटिंग क्या है? डिजिटल मार्केटिंग का मतलब है कि आप इंटरनेट का इस्तेमाल करके अपनी सर्विसेज बेचते हैं। अब बहुत सारे फ्रीलांसर्स का गिला ये होगा, अभी मैं हाथ रेस करने को कहूंगा, सबने हाथ रेस करने, जिनको फाइवर पे ऑर्डर नहीं आते, रेज योर हैंड्स। जिनको बाकी फ्रीलांस मार्केट प्लेसेस पे काम नहीं मिलता प्रपोजल, रेज योर हैंड्स। सो इट इज अ प्रॉब्लम। बट व्हाट इफ आई टेल यू कि आप एक स्किल सेट सीखें और स्किल सेट सीखने के बाद आप अपनी प्रेजेंस सोशल मीडिया पर रखें, एक वेबसाइट बनाइए, उसकी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कीजिए। बिकॉज अगर क्लाइंट आपको ढूंढता हुआ, गौर से सुनिएगा, काबिल गौर बात है, अगर क्लाइंट आपको ढूंढता हुआ आपके पास आएगा ना, तो यू कैन चार्ज द मेटल। बट अगर आप क्लाइंट के पास जाते हैं और आप एक सैचुरेटेड कंपटीशन में सर्वाइव करने की कोशिश कर रहे हैं, तो देन इट गेट्स डाउन टू द पैनिक्स, चोनियों पे बात आ जाती है, क्योंकि सैचुरेटेड मार्केट प्लेस में आपके साथ कंपटीशन बहुत ज्यादा। मेरे वक्त में मैं अब अपना तारुफ कराना बिल्कुल छोड़ दिया, क्योंकि मुझे शर्म आती है अब तारुफ कराते हुए, कि मेरे से अच्छे अच्छे जो स्टूडेंट्स हैं वो माशाल्लाह पाकिस्तान के टॉप फ्रीलांसर्स बन गए। लेकिन अब एहसास हुआ कि सड़क और उस्ताद का काम एक ही जगह पे है और हम दोनों एक ही जगह पे खड़े रहते हैं, बच्चा आगे निकल जाता है, तो इसमें कोई शर्म नहीं है एक्नॉलेज करने में कि आपने कम से कम रास्ता दिखाया। सो आई स्टार्टेड फ्रीलांसिंग इन 1998 और आई वाज वन ऑफ द टॉप फ्रीलांसर्स who was ranked in top 10 out of millions of freelancers on guru.com. अब इसको आगे जोड़ता हूँ मैं बात को, जो financial earnings, because financial earnings के बगैर कोई excitement नहीं होती। So I made my first million in 2013. That is US dollars. अब आप देखते हो कि हर 3-3 साल में आपको जो है वो एक नया मिलियनियर नजर आता है। और इंटरनेट बेस्ड मिलियनियर का मतलब है डॉलर में, पाउंड में हो जाए तो और सोने पे सौदा, लेकिन चलो डॉलर ही की बात करते हैं। अब ये जो डॉलर मिलियनियर्स हैं, दीज न्यू इमर्जिंग फ्रीलांसर्स, ऑल दे रियलाइज वाज कि दे हैव टू लुक आउटसाइड द फ्रीलांस मार्केटप्लेसेस, यूज डिजिटल मार्केटिंग एंड गेट न्यू क्लाइंट्स दैट कम टू देम सो दैट दे कैन प्राइस देम एट वेल। फ्रीलांस मार्केटप्लेस पे गए, अपवर्क पे गए, मिसाल के तौर पे यहां पे एक ग्राफिक डिजाइनिंग का प्रोजेक्ट है, मैं बिट करूंगा $10, क्लाइंट आगे से कहेगा कि फलाने ने तो $5 दे दिए, कंपटीशन। पर जब कोई आपको सर्च करता हुआ आता है, गूगल पे सर्च करता है, ओके नीड ग्राफिक डिजाइनर, नीड चीप ग्राफिक डिजाइनर या रीजनेबल ग्राफिक, या ग्राफिक डिजाइनर फ्रॉम पाकिस्तान में भी, क्योंकि पाकिस्तान का नाम यकीन जाने मुझे हंसी आती है। और मुझे बिल्कुल गलत नहीं लेना यहाँ पे फैसल नादिर से, मैंने किसी कहीं इंटरव्यू देखा था, I think it was Rahat Fateh Ali Khan sir. तो उन्होंने कहीं जाए एयरपोर्ट पर बताया कि जनाब मैं पाकिस्तान से ताल्लुक, ये 10 साल पुरानी बात है, तो सिर्फ 2-3 चीजों से पाकिस्तान को रिकग्नाइज किया गया, ओके नुसरत फतेह अली, ओके इमरान खान। फास्ट फॉरवर्ड 2022 और ऑनवर्ड्स में आपको बता रहा हूँ कि आपको सिर्फ पाकिस्तान बताना, उनको मालूम है ये वो कंट्री है जहाँ पे टैलेंटेड फ्रीलांसर्स है, और ये मेरा आपसे वादा है कि ये दुनिया ऐसे ही रिकग्नाइज करेगी इंशाल्लाह आने वाले वक्त में। विच मीन्स कि अगर आप अपनी मेहनत करें, विच मीन्स कि अगर आप अपनी सर्विसेज सही तरीके से रेंडर करें, इन अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग योर कंट्री प्राउड, यू आर मेकिंग मनी एज वेल, यू आर सेल्फ सफिशिएंट। अच्छा, आखिर में सबसे प्यारी बात, एक साइड पे तो रोला पड़ रहा है ना डिजिटल मार्केटिंग की बात, कॉमन सेंस की है कि अगर आप थोड़ी मेहनत करें तो आप सीख लेंगे, आज का बड़ा रोला पड़ा है $171 का हो गया, हर एक को परेशानी है, राइट है ना, पर खासतौर पे लड़कों के लिए मोटरसाइकिल का फ्यूल डालना महंगा हो गया। अदर साइड देख लीजिए,
अगर आप डॉलर ही कमा रहे हैं तो फिर ज्यादा काम आसान नहीं है, और अगर आप अच्छे डॉलर कमा रहे हैं तो फिर तो हमारे एक पॉलिटिशियन वो कहते हैं जब ज्यादा बारिश होती है तो ज्यादा पानी आता है, तो जब ज्यादा डॉलर आते हैं तो फिर ज्यादा खुशहाली आएगी इंशाल्लाह, तो कमाना शुरू कर दीजिए। मेरा यहाँ पे आने का मकसद सिर्फ वो हल्लाशाही देना था, सिर्फ वो मोटिवेट करना था, और इंशाल्लाह आप होंगे इवेंचुअली यू विल हैव टू लुक आफ्टर योरसेल्फ इन द फ्यूचर, नोबडी एल्स इज गोइंग टू डू फॉर यू। व्हेन आई टॉक अबाउट द जॉब्स एंड द जॉब्स अपॉर्चुनिटीज, यू गेस इज एज गुड एज माइन, कहाँ है जॉब्स, किधर है वो जॉब जिनका इतने यू नो प्रचार किया जा रहा था, और अगर नहीं है तो आप अपनी डेस्टिनी अपने हाथ में पकड़ लीजिए, जाइए 3 महीने दीजिए अपने आप को। आज तारीख है 20th है ना, आप 20th जनवरी को 3 महीने बाद एग्जैक्टली 3 months लेटर यू शुड इक्विप योरसेल्फ विद वन कंप्यूटर स्किल, आई डोंट केयर व्हाटएवर इट इज, लुक इनसाइड यू, आस्क योरसेल्फ व्हाट रेजोनेट्स बेस्ट विद योर सर्विसेज, और जो हाई पेइंग हो। अब हाई पेइंग स्किल सेट की बात कर लेता हूं, सीखना ही है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, ऑगमेंटेड रियलिटी, ब्लॉकचेन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा इज न्यू ऑयल, डेटा असेसमेंट, डेटा प्रिडिक्शन, आने वाले वक्तों में बहुत कुछ होगा। ब्लॉकचेन में क्रिप्टो ट्रेडिंग है, क्रिप्टो ट्रेडिंग के बाद आप बात करते हैं ऑडिट्स की। सो ये सारी सर्विसेज इन लॉन्ग रन पाकिस्तान में कॉमन हो जाएंगी, और जब पाकिस्तानी ये स्किल सेट को इक्विप कर लेंगे, ये फ्यूचर में जब ये अपनी स्किल सेट्स रेंडर कर रहे होंगे, दुनिया को दे रहे होंगे, तो ना सिर्फ ये हाई डॉलर कमा रहे होंगे बल्कि इवेंचुअली ये और भी मुलाजमतें दे रहे होंगे। मैंने पिछले दिन एक वीडियो डाली, थोड़ी सी मुझे बैशिंग हुई, और उसका मैंने फिर जब मकसद एक्सप्लेनेटरी वीडियो में दिया तो लोगों को समझ लगी। मैंने कहा जी डॉलर बढ़ गया, समझ लगती है, कंट्रोल में नहीं है दुनिया की वजह से या किसी भी वजह से, आप सारे इंटरनेट बेस्ड काम क्यों नहीं करते? खाली इंटरनेट बेस्ड काम यह थोड़ी ना कि आप स्किल्स सीख के एज अ फ्रीलांसर काम करें, इंटरनेट बेस्ड बिजनेसेस ये भी हैं। आपका यूट्यूब उठाएं कैमरा, यूट्यूब व्लॉगर बन जाएं, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इफ यू आर गुड एट क्रिएटिंग रीजनेबली एक्साइटिंग कॉन्टेंट, योर कॉन्टेंट विल बी वैल्यूड। हमने कितने कॉन्टेंट क्रिएटर्स देखे हैं, मैं कोई यूट्यूबर जगती पूछती थोड़ी था, मुझे तो इमरान अली डीना GFX का मेंटर मिला। बाय द वे ही इज कमिंग बैक ऑन 4th and 5th of December, कन्वेंशन सेंटर दोबारा इवेंट होगा, सीखना सीखोगा। इमरान अली डीना है GFX मेंटर, उन्होंने कहा तुम यूट्यूब क्यों नहीं अपना ओपन करते? मैंने कहा जी मैं डीजी स्किल्स पर सब कुछ पढ़ा के आ गया हूँ, मेरा सारा कॉन्टेंट मेरा फेसबुक पर पढ़ा हुआ। उन्होंने एक बड़ी पते की बात की, उन्होंने कहा देखो डीजी स्किल्स का कॉन्टेंट हर कोई एक्सेस नहीं कर पाएगा, वो बैच वाइज रोल्ड आउट होता है, जैसे यूनिवर्सिटीज होती है। फेसबुक पे हर कोई सर्च नहीं कर पाएगा प्लेलिस्ट को, क्योंकि फेसबुक का सिस्टम ऐसा नहीं है। यूट्यूब पे प्लेलिस्ट होती है, और उन्होंने मुझे बड़ी प्यारी एग्जांपल बताई, जैसे कैसेट्स नहीं होती, कैसेट्स एल्बम होती है साइड ए साइड बी, तो इस तरीके से तुम्हारी प्लेलिस्ट बन जाएगी। ये बात हो रही है 2019 की, और कल मैं सेलिब्रेट करके आया हूँ, जय लुकअप, आई जस्ट हिट 350K फॉलोअर्स। तो ये कहने का मकसद ये कि बुनियाद आज रखोगे तो कल उसका फ्रूट जो है वो रिजल्ट जो है वो यील्ड करोगे। अगर उसकी बुनियाद ही नहीं रख रहे, यही सोची जा रहे हो, तो फिर तो यू नो यू जस्ट कीप ऑन थिंकिंग। एक साल मिले मुझे 3 साल पहले, उनका डोमेन था chandnichowk.com, मुझे डोमेन बड़ा पसंद आया, मैंने कहा मुझे दे दे। उन्होंने कहा नहीं जी मैं इस पे ऑनलाइन शॉपिंग ई कॉमर्स स्टोर बनाऊंगा। उस बंदे ने मैं 2 महीने पहले मिला, वो आज भी डोमेन पाक ही है उसकी। या तो सोच लो या फिर ये ठान लो कि जी मैंने अपनी किस्मत बदलनी है, और किस्मत बदलने का जो पहला स्टेप है बच्चों याद रखो यू हैव टू डू समथिंग। सो आज जाने के बाद यहां से एक तो मैं ये चाहूंगा कि आप सब, अच्छा तुम लोग के पते की बात है जरा गौर से सुन रहे हैं, एक तो मैं चाहूंगा कि अंडर ज़िया साहब मेंटरशिप आप लोगों का एक फेसबुक का सेपरेट ग्रुप बनेगा, जैसा उस ग्रुप में मैं भी होंगे, उस ग्रुप में आप भी होंगे, उस ग्रुप में मैं आपके सवालों के जवाब दूंगा, उस ग्रुप में मैं आपके साथ बात करूंगा, और हम अपने आप को 3 महीने का वक्त दे रहे हैं, 20 जनवरी को मैं उस ग्रुप से निकल जाऊंगा। मैंने आपसे 1 रुपया नहीं लेना, मैंने आपको 1 रुपया चार्ज, शर्म करो। वैसे हर बात पे तालियां बजा रहे हो, जो बात बजाने वाली है उसमें तुम्हें तालियां नहीं निकल रही, अपने मतलब की बात पे तुम्हें भी ताली नहीं निकल रही। सो ऑल दोस स्ट्रगलिंग स्टूडेंट्स हु डू नॉट अंडरस्टैंड व्हाट फ्रीलांसिंग इज, हु डू नॉट अंडरस्टैंड
how they can make money using internet. I'm sure you'll ask zillions of questions and there's nobody to answer. और मैं volunteer कर रहा हूँ डॉक्टर नादिया डॉक्टर सैन साहब दोनों के सामने ताकि मैं मुकर ना जाऊँ कि हम उस ग्रुप को चलाएंगे उस ग्रुप में आपके सवाल होंगे उसमें कोशिश ये होगी कि हर एक को मेंटर किया जाए कोशिश ये होगी कि बाय मंथली सर मैं आपके साथ उसी ग्रुप में बात करूं ताकि ये सक्सेस स्टोरीज जब यहां से निकलेंगी तो ये ट्रांसलेट होंगे टुवर्ड्स देयर नेशनल फ्रीलांस ट्रेनिंग प्रोग्राम एंड 80 मुझे बताया गया मैं सब चुप करके सुन रहा था बैक स्टेज जब डॉक्टर जिया ने मुझे बताया जी हमने सक्सेसफुली 80 बच्चों को पढ़ा दिया दिल में सोच रहा था हजारों के बच्चे हजारों तादाद में यूनिवर्सिटी में पहुंचा करते और चूंकि वो इन मैग्नीट्यूड नहीं देखा हुआ तो 80 विद ड्यू रिस्पेक्ट बहुत बड़ा लग रहा है तो नेक्स्ट टाइम जब मैं आऊंगा इंशाल्लाह जिंदगी सेहरी अगले साल में मुझे ये 25% यूनिवर्सिटी का बच्चा फ्रीलांसिंग करता हुआ चाहिए आपका पैसा है आपका घर चलेगा आपका मुस्तकबिल संवरेगा मुल्क संवरेगा और इवेंचुअली जिस तरह टिप ऑफ द आइसबर्ग मैं कह रहा हूँ ना जब वो टूटेगी तो नीचे रूट्स नजर आनी है कि हम लोगों ने क्या बुनियाद रख दी एक एक यूनिवर्सिटी से जब ऐसे सक्सेस स्टोरीज आपको देखने को मिलेंगी फिर मैं देखता हूँ इस मुल्क को नंबर वन तक पहुंचने से कौन सी ताकत होती है थैंक यू बहुत शुक्रिया आखिरी बात जाते जाते बहुत टाइम लिया आपको बहुत बोर किया ग्रुप की क्रिएशन डॉक्टर जिया साहब करेंगे या प्रोफेसर नादिया साहब करेंगे उस ग्रुप में आप मुझे इंक्लूड करें और मैं ये भी समझता हूँ कि आप में से बहुत सारे बच्चे खावतीन इन पर्टिकुलर उनका फेसबुक नहीं होगा या उनको इजाजत नहीं होगी फेक बना लीजिए कोई मसला नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं है तो पापा की प्रिंसेस का भी मैं इंतजार करूंगा और मामा की दुलारा का भी इंतजार करूंगा आई लव यू ऑल थैंक यू वेरी मच